गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आपसे एक थॉट शेयर करने चाहती हूँ। वो थॉट है, ओनली अ लाइफ लिव्ड फॉर अदर्स इज अ लाइफ वर्थ वाइल। कितना ब्यूटीफुल थॉट है। और ये थॉट है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, द फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने बताया कि एक लाइफ जो हम दूसरों के लिए जीते हैं, हमारी लाइफ को अगर हम दूसरों के लिए जीते हैं तभी वो रियल में वर्थ वाइल है। द नोबल नेचर बाय बेन जॉनसन, जिसमें हमें बेन जॉनसन बताते हैं कि हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेल, द नेम ऑफ द पोएम इज द नोबल नेचर बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन की ये एक ब्यूटीफुल पोएम है जिसका नाम है नोबल नेचर। नोबल मीन्स ग्रेट। इससे वो हमें ये बताना चाहते हैं कि एक ह्यूमन लाइफ या मैन की लाइफ कैसे नोबल बन सकती है, कैसे ग्रेट बन सकती है, हम ऐसे क्या काम करें जिससे कि हमारी लाइफ ग्रेट हो। इस चीज को समझाने के लिए और इस नोबल नेचर की इम्पोर्टेंस बताने के लिए उन्होंने नेचर से टू ऑब्जेक्ट्स लिए हैं जिससे उन्होंने हमारी लाइफ को कंपेयर किया है। वो टू ऑब्जेक्ट्स हैं एन ओक ट्री, एक ओक का पेड़, एंड सेकेंड इज अ फ्लावर ऑफ लिली, लिली का फूल, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होता है। तो एक ओक के ट्री से और एक लिली फ्लावर से उन्होंने हमारी लाइफ को कंपेयर किया है। और ये कंपैरिजन करके वो हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज देते हैं जो कि हम पोएम में देखेंगे। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन वर्ल्ड डोंट मेक मैन बेटर बी। यहाँ इट जो वर्ड है वो मैंस लाइफ के लिए आया है, मैन की लाइफ के लिए आया है, कि मैन की जो लाइफ है वो ट्री की तरह, वो अगर बल्क मीन्स बिग साइज, यानी कि अगर एक ट्री जैसे जब ग्रोथ करता है तो उसका साइज बहुत बिग हो जाता है, तो क्या मैन भी जो फिजिकली ग्रोथ कर जाए, क्या यही चीज इम्पोर्टेंट है? डोंट मेक मैन बेटर बी, डोंट एक आर्काइक लैंग्वेज का वर्ड है। पहले के जो पोइट्स थे वो इसी तरह की लैंग्वेज यूज करते थे जिसका आज मीनिंग निकलता है डू, मेक मैन बेटर बी। और पोइट कहता है कि क्या इंसान अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है या फिजिकली ग्रोथ करके ही वो सेटिस्फाई रह सकता है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक। अब पॉइंट ने हमारी लाइफ को कंपेयर किया है ओक से, ओक के ट्री से। स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, ओक का ट्री बहुत लॉन्ग होता है, 300 ईयर उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 300 ईयर, यानी कि वो 300 साल तक जिंदा रहता है। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, लेकिन जब इस ट्री की एंडिंग होती है यानी कि जब इसकी लाइफ खत्म होती है तब ये एक लॉग बनकर रह जाता है। लॉग मीन्स अ पीस ऑफ वुड, ड्राई बाल्ड एंड सीयर। और लास्ट में ये जब गिरता है, जब इसकी डेथ होती है, जब इसकी एंडिंग होती है, तब ये ड्राई मीन्स सूख जाता है, बाल्ड मीन्स वैसे होता है गंजा, यहाँ मतलब निकलेगा विदाउट लीव्स, यानी कि इसके ऊपर कोई पत्तियां नहीं बचती, ये विदाउट लीव्स होता है। एंड सीयर मीन्स विदर्ड, यानी कि ये बिखर जाता है। तो एक ट्री जो 300 साल तक जिंदा रहता है वो लास्ट में क्या होता है? लॉग, ड्राई, बाल्ड एंड सीयर, यानी कि इसकी लाइफ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पोएट ये कहना चाहता है कि 300 साल तक जिंदा रहने के बावजूद भी इस ट्री की लाइफ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट हमारी लाइफ को कंपेयर करते हैं लिली के फ्लावर से। अ लिली ऑफ अ डे, अ डे मीन्स ओनली फॉर वन डे, यानी कि पोएट ये कह रहे हैं कि लिली का जो फूल है वो सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है या उसका जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ है वन डे। इस फेयर फार इन मे, फेयर मीन्स ब्यूटीफुल, ये जो फूल है लिली का ये मई के महीने में ब्लूम करता है, मई के महीने में खिलता है। और फार वर्ड को यूज करके पोएट ये कहना चाहते हैं कि हमें कोई भी अचीवमेंट को हासिल करने में, कोई भी अचीवमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें वो टाइम देना चाहिए। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, ऑल्दो इट फॉल, ये गिर जाता है, एंड डाई का यहाँ मतलब है कि फूल मुरझा जाता है दैट नाइट, उसी रात यानी कि जिस मॉर्निंग में लिली का फूल ब्लूम करता है उसी रात को वो मुरझाकर गिर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, अब पोएट ने इसे कहा है प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, कि ये लाइट का फ्लावर है, लाइट का प्लांट है। लाइट का मतलब है एक तो ये कि ये डे लाइट में ब्लूम करता है और रात होने पर ये बिखर जाता है, और दूसरा इसका मतलब है कि ये लोगों की लाइफ में भी एक तरीके से लाइट लेकर आता है, या लाइट मतलब हैप्पीनेस, ये लोगों की लाइफ को हैप्पी करता है, डिलाइटफुल करता है, जॉयफुल बनाता है। कैसे? क्योंकि लिली के फ्लावर के पास अगर एक सैड पर्सन भी जाता है तो ये वो भी खुश हो जाता है इसकी ब्यूटी से,
ये एक तरीके से इट कास्ट ए स्पेल ऑन एवरीवन, ये लोगों पर एक जादू डालता है और लोग इस स्कूल को देखकर बहुत खुश होते हैं, ये लोगों को बहुत हैप्पी बनाता है। इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, स्मॉल प्रपोर्शंस, प्रपोर्शंस मीन्स रेशो, कि इसके जो छोटे छोटे रेशो, छोटे छोटे रेशोज में भी हमें क्या देखनी चाहिए, जस्ट ब्यूटी, हम सिर्फ ब्यूटी देखते हैं, सिर्फ सुंदरता देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट, इन शॉर्ट मेजर्स, मेजर्स जो है वो यूनिट ऑफ टाइम है, शॉर्ट मतलब छोटे, यानी कि हम छोटी सी लाइफ में भी हमारी लाइफ परफेक्ट हो सकती है। जैसे एक लिली की लाइफ बहुत शॉर्ट है लेकिन परफेक्ट है, हमारी लाइफ परफेक्ट कैसे हो सकती है, जैसे लिली दूसरों के काम आता है, वो दूसरों को अपनी लाइफ में खुशी देता है, उसी तरीके से अगर हम दूसरों के लिए हेल्प करें, दूसरों के कुछ काम आए, अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री के लिए कुछ ऐसा करें कि लोग हमें हमारे जाने के बाद, हमारी डेथ के बाद भी हमें याद रखें, तो हमारी लाइफ रियल में परफेक्ट है, हमारी लाइफ मीनिंगफुल है, हमारी लाइफ वर्थ वाइल है। तो यही पॉइंट हमें मैसेज देना चाहता है लिली से, कि हमें अपनी लाइफ को लिली जैसा बनाना चाहिए, ओक जैसा नहीं, कि हम हमारे जाने के बाद हमें कोई याद ही नहीं करे या हमारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं हो, हमारी लाइफ मीनिंगफुल, वर्थफुल एंड परफेक्ट होनी चाहिए, लाइफ द लाइफ ऑफ लिली। वेल स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इस पोएम में पोएट ने हमें ओक और लिली से हमारी लाइफ को कंपेयर करके जो मैसेज दिया है वो मैसेज बहुत ब्यूटीफुल है, और वो मैसेज है कि हमारी लाइफ चाहे वो लॉन्ग लाइफ हो या शॉर्ट लाइफ, इट डजेंट मैटर, मैटर करता है कि हमारी लाइफ मीनिंगफुल, वर्थ वाइल होनी चाहिए, हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जो हमारे फैमिली मेंबर्स, जो हमारी सोसाइटी और हमारे कंट्री के काम आ सके।